हिंदू युवा वाहिनी महानगर के आईटी सेल की बैठक बुधवार को रेलवे स्टेशन स्थित हिंदू भवन के कार्यालय में महानगर संयोजक संजय शीलांकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसके संबंध में महानगर संयोजक संजय शीलांकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार के द्वारा सभी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने के लिए यह बैठक की गई है और सभी कार्यकर्ताओं को यह निर्देशित किया गया है कि शासन के द्वारा जारी सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार युद्ध स्तर पर चलाकर लोगों तक इसका लाभ पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि आईटी सेल की प्रथम प्राथमिकता है कि योजनाओं की जानकारी सभी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे इसका लाभ सभी लोगों को मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए हिंदू युवा वाहिनी महानगर के आईटी सेल के संयोजक संजय शीलांकुर ने कहा, उस स्थिति में आईटी सेल की जिम्मेदारी सबसे अधिक है, क्योंकि हम कर क्या रहे हैं दिन भर। अब तो बहुत आसान हो गया, पहले समस्याएं होती थी, हमने किया क्या, हम कर क्या रहे हैं, ये लोगों के अंदर पहुंच। तो इस नाते मैं आप लोगों से यही निवेदन आग्रह करूंगा कि संगठन के कार्यों में जो कार्य हम कर रहे हैं, जो समाज के बीच हम जा रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल आपका भी है। आपके संयोजक आईटी सेल यहां बैठे हुए हैं, लगातार हम लोगों का कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, संपर्क संवाद अभियान के तहत हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, सरकार की योजनाओं को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी कमी रह जा रही है। जिस चीज को चाह रहे हैं कि लोगों के बीच अपने आप ये पहुंचे, तो ये सारी चीजें आप लोगों को ही करना पड़ेगा। तो मित्रों, आप यहां आए, आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकाला, इसके लिए महानगर की तरफ से मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, धन्यवाद दे रहा हूं। और आगे आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ संगठन के जितने भी कार्य योजनाएं हैं, सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं जो संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंच रहा है, उसमें आप अपना बढ़ चढ़ के सहभागिता निभाइए। और आपकी सहभागिता सिर्फ एक चीज है कि कितने लोगों तक अपने संगठन का कार्य और वो कार्य का मैसेज पहुंच सके। और इसके लिए मैं एक बार संजय शीलांकुर जी, जो महानगर आईटी सेल के संयोजक हैं, उनको धन्यवाद दूंगा कि संगठनात्मक रूप से जिस तरह से हिंदू युवा वाहिनी की मेन बॉडी अपने कार्यों के प्रति सचेत होकर वार्डों के अंदर अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता और बड़े से बड़े कार्यकर्ताओं के बीच गई, उसी तरह आईटी सेल की जिम्मेदारी को देखते हुए आज फिर इन्होंने बैठक करा के, और हमें पूर्ण विश्वास है कि फिर से एक बार जो हमारी आईटी सेल जिसकी धार थोड़ी कुंद पड़ गई थी, वो आईटी सेल फिर एक बार लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगी कि हाँ, हिंदू युवा वाहिनी मेन बॉडी जितनी मजबूत है उससे कहीं कम आईटी सेल नहीं है, हिंदू युवा वाहिनी आईटी सेल नहीं है। अपनी बात को समाप्त करूंगा कि मित्रों, आप एक स्तंभ है हिंदू युवा वाहिनी के, और आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सचेत होते हुए और इस समाज में बहुत सारी अच्छी चीजें, उन सारी चीजों से बता सकते हैं। महानगर संयोजक आदरणीय ऋषि मोहन वर्मा जी से बता सकते हैं, आपके आईटी सेल के संयोजक संजय शीलांकुर जी हैं, इनसे बता सकते हैं, हमारे क्या नाम उपाध्यक्ष जी हैं, इनसे आप बता सकते हैं। संजय शीलांकुर, महानगर संयोजक आईटी सेल। आज हिंदू युवा वाहिनी आईटी सेल महानगर की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। आज से 3 साल पहले परम पूज्य महाराज जी जब मुख्यमंत्री हुए, शहर में हो रहे विकास कार्यों को पहले हम पत्रकारिता के माध्यम से जनता तक पहुंचाते थे, लेकिन इसकी आवश्यकता परम पूज्य महाराज जी को हुई और उनके निर्देशानुसार आईटी सेल का गठन किया गया। आज जो भी हमारे प्रदेश में विकास कार्य हो रहे हैं, हम जनता तक, घर घर तक उस विकास कार्यों को पहुंचाया जा सके, उसी संदर्भ में महानगर आईटी सेल की एक समीक्षा बैठक की जा रही है कि इसको और कितना बेहतर बनाया जा सके। विकास कार्य जनता के बीच में ले जाना है, ये हम लोग का लक्ष्य है, और निर्देश और आशीर्वाद तो महाराज जी का हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा।